हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं एचपी की तरफ से आने वाला ये गेमिंग माउस एंड कीबोर्ड का कॉम्बो। तो भाई ये तगड़ा माउस एंड कीबोर्ड लगा मेरे को अब तक का सबसे बेस्ट लगा अंडर बजट। मतलब ये मेरे को 999 में पड़ा है, मतलब 1000 रुपये के अंदर में एचपी जैसे ब्रांड का कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो। तो भाई तगड़ा, वो भी गेमिंग एंड आरजीबी मोड के साथ भी आता है। इसका मॉडल नंबर आप लोग देख सकते हैं KM300F। तो भाई आप लोग सर्च कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक से आप लोग देख सकते हैं। तो भाई इसका बारे में अभी बात करेंगे हम लोग, जिसमें क्या क्या बढ़िया है एंड क्या क्या थोड़ा बहुत मेरे को सही नहीं लगा, जो और भी बेटर हो सकता था। बट गाइस 1000 रुपये के अंदर में एचपी जैसा ब्रांड का गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस आता है कॉम्बो, तो भाई ये खुद में बहुत बड़ा बात है। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फटाफट से आगे इसको अनबॉक्स करते हैं एंड उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं इसका बॉक्स कंटेंट का। तो यहाँ पर बॉक्स के ऊपर आपको एचपी का ब्रांडिंग दिख जाता है। इसका मॉडल नंबर है KM300F एंड मस्त यहाँ पर कीबोर्ड एंड माउस का पिक्चर दिख जाता है आरजीबी के साथ। एंड बॉक्स के पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर कुछ हाईलाइटेड फीचर्स इसका यहाँ पर मेंशन है एंड अगेन यहाँ पर माउस एंड कीबोर्ड का पिक्चर्स। एंड गाइस इसका MRP देख सकते हैं 2200 शायद से दिखता होगा, हाँ 2200। बट गाइस ये मेरे को बस 999 में पड़ा है, तो ये काफ़ी मस्त मेरे को लगा। एंड गाइस ये 3 साल का वारंटी के साथ आता है। इसका फीचर्स मेरे को सबसे सही लगा। एंड अब इसको अनबॉक्स करते हैं। तो भाई यहीं पर आपको सबसे ऊपर ही में आप लोगों को मस्त सा पैकिंग के साथ यहाँ पर कीबोर्ड मिल जाता है। इसको साइड में रखते हैं, दिखते बाद में। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर माउस मिल जाता है, ये भी पैकिंग के साथ है। एंड यहाँ पर कुछ पेपर वर्क आपको दिख जाता है। एंड सबसे पहले बात करते हैं इसका कीबोर्ड के बारे में। तो भाई यहाँ पर फर्स्ट लुक जो है वो घातक एकदम है, तगड़ा मेरे को लगा है इसका। आप लोग साउंड सुन सकते हैं, शायद से आ रहा है, एक सेकेंड। मस्त सा साउंड इसका है, की फील मतलब एकदम प्रीमियम सा फील होता है। थोड़ा बहुत साउंड है इसका। एंड इसका केबल के बारे में बात किया जाए तो ये 1.6 मीटर के साथ आता है ये वाला केबल। एंड इसके बैक साइड में बात करें तो यहाँ पर भी कुछ हाइलाइटेड फीचर्स वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट नेम। एंड यहाँ पर आप लोगों को 2 एडजस्ट करने के लिए ये मिल जाता है स्टैंड टाइप का। ये मेरे को सही लगा काफ़ी। अभी के सारे बहुत सारे कीबोर्ड में ना ये देना बंद कर दिया, बट इसमें दिया है तो ये सही लगा मेरे को। एंड अब फटाफट से इसको आगे प्लग इन करते हैं एंड इसका आरजीबी वाला लुक दिखाते हैं आप लोगों को। तो भाई आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का कीबोर्ड ऑन हो गया है एंड तगड़ा इसका परफॉर्मेंस आप लोगों को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर सबसे पहले तो ये फंक्शन की एंड अप एंड डाउन से इसका ब्राइटनेस एंड ये ऑफ ऑन होता है, ब्राइटनेस एडजस्ट होता है सिंपल सा। मोड चेंज करने के लिए आप लोगों को फंक्शन की एंड 1 की दबाना पड़ेगा। जैसे कि ये एक मोड हो गया इसका, हल्का हल्का सा मतलब स्लोली ब्लिंक कर रहा है, दोबारा से 1 दबाना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं ये मोड, मेरे को नाम नहीं पता। एंड दूसरा ये स्टिल रहता है ऐसे ही। एंड यहाँ पर मल्टीमीडिया, ये एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड है, जैसे कि मल्टीमीडिया का बटन जिसको आप लोगों को यहाँ पर सारा का सारा दिख जा रहा है। फंक्शन दबा के F2 दबाइएगा तो साउंड अप डाउन होगा, प्ले पॉज सारा कुछ यहाँ पर मिल जाता है, आप लोग देख सकते हैं। एंड यहाँ पर ये जो HP का ब्रांडिंग है, स्क्रीन लॉक दबाइएगा तो ये ऑन हो जाएगा एंड दोबारा से दबाइएगा तो ये ऑफ हो जाएगा, तो ये भी सही लगा। एंड इसका जो सबसे ज़्यादा मेरे को सही लगा है, देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारा कीबोर्ड में ना ये साइड में ना एक बेजल की तरह आता है, जिसकी वजह से पूरा डस्ट जम जाता है, तो आप लोग इसको क्लीन नहीं कर सकते। बट इसमें ऐसा कोई बात नहीं है, पूरा एकदम ओपनली है, तो यहाँ से आप लोग इसको आराम से क्लीन भी कर सकते हैं, डस्ट वगैरह भी नहीं जमेगा। एंड इसका आप लोग चाहिए तो एक एक बटन्स निकाल के भी क्लीन कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं बड़े ही आसानी से सारा बटन्स इसका निकल जाता है। क्लीन कर लीजिए, उसके बाद दोबारा से आप लोग इसको इस तरह से पकड़ के लगा सकते हैं, तो ये सारा बटन्स हो जाता है। तो भाई ये काफ़ी तगड़ा लगा मेरे को 999 में, और क्या चाहिए आपको। अब बात करते हैं इसका माउस का। तो यहाँ पर माउस भी काफ़ी ज़्यादा सही लग जाता है, थोड़ा बहुत वेट है वो होना भी चाहिए, वरना एकदम चिप तरह का लगेगा माउस। आपको बिल्कुल चिप नहीं लगेगा, प्रीमियम सा फील आएगा। इसका साउंड भी आप लोग सुन सकते हैं,
टोटल 6 बटन्स के साथ ये वाला आ जाता है। भाई हम लोग का यहाँ पर ये भी प्लगइन हो गया, इसका आरजीबी मोड देख सकते हैं। इसका आरजीबी चेंज करने के लिए साइड वाला जो ये वाला बटन है, इससे आप लोग इसका आरजीबी चेंज कर सकते हैं, मस्त सा चेंज हो जाता है। तो भाई इसका मिनिमम डीपीआई 800 है एंड मैक्सिमम 6400। तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा सही बात है इसका। एंड डीपीआई बटन, इसका सारा बटन्स की मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। एंड गाइस यहाँ पर जो माउस में जो मिडिल बटन है ये वाला, इससे आपका कर्सल वहाँ पर एडजस्ट होता है, जिसको आप लोग सिंपल सा शायद डीपीआई बोला जाता है। तो भाई ये 5 मोड के साथ आता है, तो फर्स्ट में ये बहुत ज़्यादा स्लो है, सेकेंड में मैं यूज़ करता हूँ एंड उसके बाद ये वाला काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, आप लोग शायद देख सक रहे हैं। मैक्सिमम ये गेम में काम आता है, गेम में एडजस्ट वगैरह करने में। तो भाई आप लोग देख लेना, आपको जो पसंद है वो सिलेक्ट करके आप लोग यूज़ करना इसको। तो ये तगड़ा लगा एंड नंबर ऑफ बटन इसका 6 है टोटल। इसका आरजीबी लाइट भी यहाँ पर बड़ी घातक तरीके से मेरे को लग रहा है, देख सकते हैं साइड से एक बेजल निकल रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होता है ये दो यूज़ करके। तो आप लोग डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो भाई 1000 रुपये के अंदर में ये गेमिंग माउस एंड कीबोर्ड का जो कॉम्बो, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लगा है। अंडर बजट मतलब पूरा वैल्यू फॉर मनी गाइस है ये वाला। अगर आपको भी एक गेमिंग माउस एंड कीबोर्ड परचेस करना है तो ये सबसे सही समय है। आप अमेजोन में जाके चेक कर सकते हैं। अगर मैं शायद से कल चेक कर रहा था तो 1200 या 1300 दिखा रहा था। आप थोड़ा वेट कर जाइए, 2-3 दिन ऑफर चेक करते रहिए, ये 999 में आ जाएगा दोबारा से, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करके परचेस किया हूँ। आप लोग बिल देख सकते हैं यहाँ पर, मैं स्क्रीन में लगा देता हूँ अमेजोन का बिल, ये मेरे को सिर्फ 999 में पड़ा है। तो भाई इसका जो फीचर्स वगैरह है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा तगड़ा लगा। हाँ इसका आरजीबी कंट्रोलिंग है, मतलब और भी 2-3 मोड और देता तो और बेटर हो सकता था। बट गाइस 1000 रुपये में HP जैसे ब्रांड का गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस मिल रहा है, इससे बड़ा बात और कुछ नहीं हो सकता है। तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, छोड़ो बताओ या ना बताओ, सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ सब्सक्राइब में कंजूसी मत करना, सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहा है यार, 1.15K अभी तक है, फटाफट से 2K कर दो भाई, और कुछ नहीं चाहिए। एंड 1K स्पेशल वीडियो भी अभी तक मेरा नहीं आया, वो आएगा। एंड 1K का एक गिव अवे भी मैं रखने वाला हूँ, तो पार्टिसिपेट जरूर करना एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।